हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे कोकोनट बार। इसे बनाना बहुत ही आसान है, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे फ्रिज में एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। यह बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। तो फिर चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। कोकोनट बार बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं गैस को ऑन। इसमें हम लोग एक बाउल मिल्क डालेंगे, गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे जिससे जल्दी से मिल्क बॉयल होने लगे। देखिए मिल्क बॉयल होने लगा है। अब हम लोग इसमें चीनी डालेंगे। जिस कटोरी से हम लोग मिल्क लिए थे उसी कटोरी से आधा कटोरी चीनी ऐड करेंगे। चीनी डालने के एक मिनट बाद इसमें हम लोग नारियल डालेंगे। जिस कटोरी से हम लोग मिल्क और चीनी लिए थे उसी कटोरी से डेढ़ कटोरी नारियल डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम लोग मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका सारा मॉइस्चराइजर खत्म नहीं हो जाता है, यानी जो दूध है वो अच्छे से सूख नहीं जाता है। हमें इसे लगातार चलाते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल डो जैसा नहीं हो जाता है। कोकोनट बार बनाना बहुत ही आसान है। देखिए सारा मॉइस्चराइजर खत्म हो गया है, दूध भी अच्छे से सूख गया है। अब हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने देते हैं। हमारा कोकोनट डो ठंडा हो गया है। अब हम लोग इसे कोकोनट बार का शेप देंगे। आप कोई भी इस तरह के चम्मच ले सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा लेंगे। चम्मच लेने से क्या होता है कि सारा बार एक ही बराबर रहेगा शेप में। थोड़ा सा लेंगे, इसे शेप देंगे, थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसे दोनों साइड प्रेस कर देंगे हल्का सा। इसके ऊपर भी देखिए ऐसे ही हम लोग सारा बना लेंगे। फिर उसी मेजरिंग चम्मच से लेंगे, को हथेली से गोल कर शेप दे देंगे। इसे थोड़ा सा चपटा करेंगे और दोनों साइड से प्रेस कर देंगे। ऐसे ही हम लोग सारा कोकोनट बार रेडी कर लेंगे। सारा कोकोनट बार बन के रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम लोग इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक कोकोनट बार सेट हो रहा है तब तक हम लोग चॉकलेट रेडी कर लेते हैं। चॉकलेट रेडी करने के लिए हम गर्म पानी कर लिए हैं, इसके ऊपर एक बाउल रखेंगे। अब हम लोग बाउल में एक पैकेट डेरी मिल्क डालेंगे। डेरी मिल्क को हमें अच्छे से मेल्ट करना है। देखिए कितने आसानी से हो जा रहा है। इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम लोग इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए एक घंटा हो गया है, कोकोनट बार एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब हम लोग इसे चॉकलेट में डिप करेंगे। चॉकलेट एकदम ठंडा हो गया है, इसे हम लोग हल्का सा गर्म कर लेंगे। ध्यान रहे हमें चॉकलेट को हल्का सा ही गर्म करना है। कोकोनट बार को अब हम लोग चॉकलेट में डिप करेंगे। ध्यान रहे इसे हमें हल्का सा ही गर्म करना है। अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो ये कोकोनट इसमें मेल्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसे निकाल लेंगे अच्छे से कोट करके। चॉकलेट है उसे बाहर कर देंगे। इसे प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट को हम पहले घी से ग्रीस कर लिए थे। सारा कोकोनट बार चॉकलेट में डिप कर लेंगे। जो स्टच चॉकलेट है इसे निकाल लेंगे हम लोग। सेम प्रोसेस से सारा कोकोनट बार रेडी कर लेंगे। सारा चॉकलेट कोकोनट बार बनके रेडी हो गया है। अब हम लोग इसे सेट होने के लिए दो घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। दो घंटे हो गया है, हमारा कोकोनट चॉकलेट बार बनके रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे फ्रिज में एक हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। यह बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है और जब भी मन करे तब खा सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ऐसे ही नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।